नमस्कार फ्रेंड, मौर्या टू रुपीज़ की नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, ये जो आपको हीरो की एच एफ डिलक्स बाइक है आप किसने दिख पा रही है सामने है, मैं आपको पहले किलोमीटर इसका दिखा देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे कुल मिला के 8,729 किलोमीटर टोटल चली हुई है। लेकिन इसका इंजन का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो कहा ही नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा बुरा तरीके से आवाज़ कर रहा है। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ, पहले इंजन का साउंड मैं सुनाता हूँ आपको कि आखिर इसमें इतना आवाज़ क्या है और क्यों इतना आवाज़ आ रहा है। क्योंकि इस पर सर्विस वगैरह भी करवाए थे भाई, और इसका इंजन ऑयल भी सब कुछ अभी चेक किया, वो सब कुछ प्रॉपर है। तो पहले मैं इसको साउंड सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले स्टार्ट करता हूँ वहाँ से, आपको गाड़ी को मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं आपको नज़दीक से सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, माइक को यहाँ पे मैं रख देता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर रख के मैं सुनाता हूँ। तो जैसा कि आपको आवाज़ सुनने में आया होगा कि किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड कर रहा है, तो इसका मैं कैसे सोल्यूशन कर रहा हूँ इसको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका टैपेट का यहाँ पे चेक करूँगा, टैपेट हमें लगता है कि लूज है, उसके बाद में मैं दूसरा कोई स्टेप में चेक करूँगा। पहले सबसे पहले हमें टैपेट को चेक करना होगा। तो टैपेट को हमें सेट करने से पहले उसको हमें सबसे पहले हमें इसको यहाँ पर 6 नंबर की एलकी का यहाँ से खोलना है, कुछ इस तरह से। यहाँ से मैं इसको एक कैप को खोलूँगा फ्रेंड, यहाँ से हमें इस कैप को खोलना, क्योंकि टाइमिंग हमें सबसे पहले मिलाना होता है इसको सेट करने से पहले। तो मैं इस कैप को निकाल लेता हूँ ऐसे साइड में करके, और उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे जो है 17 नंबर का यहाँ पे 2 बोल्ट दिया गया है कैप इसका जो है। तो हमारे पास स्पेशल टूल है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको ढीला कर दिया हूँ, चाहे तो मैं हाथ से भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ किस तरह से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसको मैंने ढीला कर दिया है, और थोड़ा सा मैं इसको ठंडा होने दूँगा, उसके बाद में मैं सेट करूँगा इसका, और इसका टाइमिंग किस तरह से मिलाया जाता है तो इसको भी मैं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया है फ्रेंड तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नए मैकेनिक जो भाई हैं जो काम सीख रहे हैं उनको हेल्प मिले। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक नहीं करते हैं, तो कम से कम आप लोग जब लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई, मोटिवेट करेंगे आप लोग हमें कि ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूं मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले खोल के फिर मैं आपको दिखाता हूं टाइमिंग किस तरह से सेट किया जाता है। तो फ्रेंड, दोनों को हमने खोल दिया है। तो सबसे पहले हमें टाइमिंग को मिलाने के लिए यहाँ से, तो देख लीजिए मैंने यहाँ से खोल दिया है, और उसके बाद में मैं किक को धीरे धीरे करके मैं यहाँ से दबाता हूँ, मिलाता हूँ। आपको यहाँ से ऐसे किक को दबाना है, पहले एक बार पूरा दबाना है इस तरह से, और उसके बाद में धीरे 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 करके आपको इसे दबाना है। अब यहाँ से आपका ढीला पड़ गया, तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि यहाँ से लूज हुआ कि नहीं ये बोल्ट, अभी भी ये टाइट है और एक लूज है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं और करता हूँ, हमें धीरे धीरे करके ऐसे छोड़ना है। देख लीजिए हमारा यहाँ पे जाके फ्री हो गया, तो मैं अब चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ देख लीजिए अब यहाँ पे ये जो है एक तरह से ये हिल रहा है। अगर आपका ये टाइमिंग पे अच्छे से आ जाएगा तो दोनों साइड पर ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से भी प्ले बता रहा है और यहाँ से भी प्ले बता रहा है, तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा टाइमिंग लगभग परफेक्ट आ चुका है। और उधर साइड में मैगनेट पर भी दिखाता हूँ आपको। वहाँ से देखने के बाद में फ्रेंड, एक और तरीका है, आपको प्लग को यहाँ पे खोलना है, जब आपको लगे कि हाँ यह टाइमिंग पे आ गया है, तो इस तरह से ऐसे पेचकस को डालना है। तो पिस्टन देख लीजिए, इसे करेंगे आप तो पिस्टन आपको ऐसे ही टच होगा बाहर में ही, जैसे आप छुएंगे स्क्रू ड्राइवर को लगाएंगे तो पिस्टन आपको यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपका ये जो स्क्रू ड्राइवर है अंदर ज़्यादा नहीं जाता है, पिस्टन आपको ऊपर ही मिल जाता है, टच हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका परफेक्ट आपका यहाँ पर टाइमिंग हो चुका, क्योंकि पिस्टन आपका यहाँ पर ऊपर होना चाहिए, ऊपर के साथ जिसको टॉप कहते हैं, पिस्टन अगर टॉप पे रहेगा तो आपका टाइमिंग परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप टाइमिंग को नहीं मिलाना जानते हैं तो अपने घर पे भी इस तरह से मिला सकते हैं, जो मैं ट्रिक बताया हूँ इस तरह से करने के बाद में। उसके बाद में आपको इसका जो है ये जो 9mm का जो ये बोल्ट आपको दिख पा रहा है, तो यही बोल्ट का जो कमाल होता है, और मैं इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा जूम करके,
क्योंकि नज़दीक कर दूंगा तो थोड़ा सा आपको दिखेगा अच्छे से। तो देख लीजिए और ऊपर नीचे देख लीजिए, इसमें प्लेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए तो उस साइड प्लेज इस तरह से दाएं बाएं होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है ऊपर नीचे का प्लेज आपको दिख पा रहा होगा कितना सारा हो रहा है, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड कर रहा था। तो चलिए मैं इसका सेटिंग कैसे करता हूँ इसको मैं दिखाता हूँ, और इधर साइड का जो है मैं उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और इधर से भी आपको दिख पा रहा होगा, तो यहाँ से भी इस तरह से प्ले है, तो हमको सिर्फ हल्का सा साइड प्ले इसको इसमें दोनों में छोड़ना है। तो पहले हम ये इस बोल्ट को दोनों इस बोल्ट को थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको ढीला कर दूंगा थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद में बीच वाले को मैं थोड़ा सा टाइट करूँगा। तो चलिए मैं इसको करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको अगर आपके पास फिलर गेज है तो इस पर आप 0.10 mm करके आपको करना है, दोनों में रखना है, उतना ही आपको गैप रखना है। ज़्यादा गैप रखेंगे तो इसमें साउंड होगा, और ज़्यादा टाइट कर देंगे तब भी आपका यहाँ पे कंप्रेसर वीक होने का चांस रहता है, तो इसलिए आप हिसाब से करेंगे। आपको इधर थोड़ा बहुत इतना ध्यान रखें कि साइड प्ले ज़रूर रहे, कोई सभा या अगर कोई सी भी गाड़ी आपके पास हो उसमें इस तरह से आप करें, इस तरह से आप करेंगे तो अच्छा इसमें सेटिंग होगा इसका, और साउंड भी बेहतर रहेगा, और अच्छे से गाड़ी चलेगी, पिकअप भी माइलेज भी अच्छा रहेगा इसका। तो चलिए मैं इसको करता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से टूल लेना है, और एक 8 नंबर का यहाँ पे पाना, तो 8-9 का लगेगा, तो 9 नंबर का इधर हमें इसको फंसाना है, और कुछ इस तरह से इसको फंसा लेना है, और इसके बोल्ट को जो है हमें थोड़ा सा ढीला करना है कुछ इस तरह से। अगर हम बोल्ट को ढीला करेंगे तो ये बीच वाला ढीला हो जाएगा, और हमें बीच वाला जो है यहाँ से इसको कसना है, थोड़ा सा टाइट करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ढीला है, अगर टाइट रहे तो उसको लूज करने के लिए बीच वाला हमें बोल्ट को ढीला करना होता है, तो कुछ इस तरह से। तो मैं करने की कोशिश आपको करके फिर दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि देख लेता हूँ कि सेटिंग कैसा है इसका। अभी भी थोड़ा सा इसमें साइड प्ले भी है, ऊपर नीचे भी प्ले है, तो हमें ऊपर नीचे का प्ले बिल्कुल भी नहीं रखना है, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा इसको फिर से ढीला करना है, और थोड़ा सा करके टाइट करना है इसको हमें, ताकि ये हमारा फुल टाइट हो जाए, और इसको हमें ज़रा सा भी ऊपर वाले बोल्ट को ढीला नहीं रखना है, नहीं तो खुलने का चांस रहता है इंजन के अंदर, ये बोल्ट जो खुल के गिर सकता है। तो चलिए मैं इसको करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख लीजिए, ऊपर नीचे का प्ले हमारा ज़रा सा भी नहीं है, मैं कहूँगा कैमरे वाले भाई से थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाएं, देख लीजिए साइड प्ले हल्का हल्का हो रहा है, ज़्यादा नहीं रखना है आपको, इतना ही रखना है कि सिर्फ हिल पाए, ऐसा नहीं है कि हिलाने पे हिलना चाहिए थोड़ा सा, और ऊपर नीचे बिल्कुल ना रहे। उसके बाद में नीचे का भी इसी तरह से मैं सेटिंग करके फिर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख लीजिए, इसका भी हमने सेट कर दिया है, इसका साइड प्ले भी इस पर आपको दिख पा रहा होगा हिल रहा है, बाकी ऊपर नीचे प्ले इसका भी मैंने ख़त्म कर दिया है, तो इसी तरह से आपको करना है। तो चलिए मैं इसको कैप को लगा देता हूँ, लगाने के बाद में मैं बाइक को स्टार्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ साउंड कैसा है। तो इसका कैप हमें कुछ इस तरह से फिट करना है, इस तरह से लगा के हमें फुल टाइट कर देना है, ताकि उसमें लीकेज की प्रॉब्लम ना रहे, इसको हमें लूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कुछ इस तरह से पाना लेना है, इस तरह से आपको फंसा के आपको अच्छे से टाइट कर देना है। फुल टाइट कर दिया है हमने, और इधर साइड वाली अभी कैप हमें लगाना है, तो इसको मैं लगा के उसके बाद में स्पार्क प्लग को और मैग्नेट के जो मैंने खोल इसे में फुल टाइट करना है, लूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये हमारा टाइट हो चुका है। उसके बाद में मैं स्पार्क प्लग को लगाता हूँ और इसके कैप को लगा देता हूँ मैग्नेट के। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने बाइक को स्टार्ट कर दिया, और आवाज़ को मैं सुनाता हूँ आपको, एक्सीलेटर वाइज थोड़ा सा दो, देख लीजिए फ्रेंड इस तरह से इसका जो है आवाज़ जो है एकदम से इंजन का साउंड जो हो गया अच्छा हो गया है,
इसी तरह से इसमें जो प्रॉब्लम बाइक में आ जाता है, तो अगर आप भी परेशान हैं इस तरह से, इरिटेट हो रहे हैं अपनी बाइक में इस तरह से आवाज़ से, इंजन के साउंड से, तो इस तरह से आप सेटिंग करके अपने घर पे भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बाइक से संबंधित टेक्निकल वीडियो पर डे अपलोड होती रहती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें भाई, ताकि मैं आप लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस वीडियो दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बना के उसका कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।